सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो आज क्या है, आज कौन सा दिन आपको पता है? तो आज है संडे। तो पता ही है संडे को हम लोग कहाँ जाते हैं, लेकिन बहुत दिनों से हम लोगों का संडे राइड बंद था। लेकिन बहुत दिनों के बाद आज कुछ ऐसा मन किया कि चलते हैं भाई संडे राइड को और इन्जॉय करते हैं। तो ये वाला जो राइड है वो मेरे ग्रुप में नहीं होने वाला है। ये वाला हम लोगों के मतलब कौन सा ग्रुप, वो हमारे यहाँ का BCF ग्रुप है, एगो सबसे बड़ा ग्रुप हम लोगों के यहाँ का। तो उस ग्रुप के साथ हम लोग आज ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग कुछ ही जन है उसके साथ ज्वाइन करेंगे हम लोग के ग्रुप से। तो मेरा बाइक का तो हाल आपको पता ही, आप लोगों को कि कैसा हाल हो चुका है। तो मतलब मेरा बाइक में तो मैं नहीं जा पाऊँगा अभी अभी, मतलब जब तक वो शोरूम में जाके ठीक नहीं होगा तब तक मैं बाइक में अभी राइड नहीं ले सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि पिलियन होके जाऊँगा किसी के साथ। तो जस्ट अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और 6:30 बजे हम लोगों का राइड है। तो अभी फटाफट मैं रेडी होऊंगा। जस्ट अभी मैं सो के उठा और बहुत दिनों के बाद राइड हो रहा है तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए जल्दी से जल्दी रेडी होते हैं और फिर आपको आगे मिलते हैं और आगे बताते हैं। सो गाइस, अभी मतलब रेडी हो चुके हैं, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो मैं अभी बस चाय पी रहा था। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, मतलब आप लोगों को जैसे पता ही है हम लोग राइडर जो होते हैं वो एकदम मतलब क्या बोले आज़ाद परिंदे होते हैं। हम लोगों को मतलब अगर घर में अगर कोई बंद कर देगा ना भाई, तो मतलब क्या बोले दम जैसे घुटता है। अगर कोई भी चिड़िया को अगर जैसे पिंजरे में बंद कर दो तो उसका जैसे दम घुटता है, उस टाइप का हम लोग हैं। तो अभी उस टाइप का फील हो रहा था, इसकी वजह से मूड वूड ऑफ था। ऐसे भी कुछ सही नहीं चल रहा है लाइफ में इसकी वजह से। तो सोचे कि राइड में जाते हैं। तो राइड से हम लोगों का और बाइक वाइक देख के तो बस दिल ठंडा हो जाता भाई। जितना ही मूड ख़राब हो बाइक वाइक देख के ना, मतलब क्या बोले मूड एकदम ताज़ा हो जाता है और रिफ्रेश हो जाता है हम लोगों का। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ घर ही पे, मेरा फ्रेंड आएगा तो वो कॉल करेगा। ऐसे भी हर कोई लेट हो चुका है, 6:30 बज चुका है। तो अभी तक हम लोग घर से नहीं निकले। हम लोग 6:30 बजे राइड पर निकलने का ही था टाइम था, लेकिन अभी हम लोग घर से नहीं निकले। तो जैसे हम लोग हर वक्त मतलब हर टाइम लेट होते हैं वैसे ही। तो अभी निकलेंगे फिर आपको दिखाएंगे और कौन कौन सा बाइक आ रहा है, हम लोगों का जो BCF ग्रुप का लीडर है सबसे मिलाएंगे। पहले यहाँ से निकलते हैं फिर आगे आप लोगों को बात करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग वहाँ से मतलब मीटअप में देखा हम लोगों का, मतलब अभी लगभग कुछ जन है और भी आगे से मतलब और भी ग्रुप ऐड करेगा और भी शायद 2-3 जन बढ़ सकता है। तो मैं अभी मेरे फ्रेंड के साथ पिलियन में हूँ और यहाँ से निकलेंगे जल्दी। वो लोग आ रहे हैं अभी, हम लोग पेट्रोल पंप में फ्यूल अप हो रहा है गाड़ी, फिर यहाँ से निकलेंगे जल्दी से जल्दी। तो चलिए चलते हैं आगे और फिर मिलते हैं आप लोगों से। बहुत ही ज़्यादा अभी मज़ा आ रहा है, आप लोग क्या बताओ, जैसे राइड में मज़ा आता है। तो अभी हम लोग लगभग 50% रोड क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम लोग थोड़ा जैम पे हैं। अभी निकलेंगे यहाँ से आगे और आपको दिखाते हैं। और एकदम सब मतलब सब बड़ा बड़ा राइडर है और हम लोगों का जो पहले एक वो राइडर था जिसका एक्सीडेंट हुआ था आप लोगों को पता है अली, जिसका B4 था, वो भी आया हम लोगों के साथ ज्वाइन किया। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं फिर आप लोगों को आगे मिलते हैं। गाइस फिर से अभी और एक जगह में रुके हैं। तो अभी पीछे देख सकते हो सब बाइकर लोग और यहाँ पे रुके और भी कोई मतलब ग्रुप में आने वाले इसकी वजह से। तो फिर यहाँ से निकलेंगे जल्दी, आपको दिखाते हैं अभी तक हम लोगों के ग्रुप में कौन कौन सा बाइक है, जब दिखाते हैं फिर आगे आप लोगों को दिखाएंगे पूरा। जो फर्स्ट बाइक आ रहा है वो है अली का, जिसमें एग्जॉस्ट लगाया क्रबो भी, ये है V4 और उसके बाद है ये इंटरसेप्टर और उसके बाद ये यामा का है, वो वाला का नाम नहीं पता भाई। और उसके बाद MT और सामने है P15। तो अभी तक पांच बाइक ऐड हो चुका है हम लोग के ग्रुप में और फिर निकलेंगे यहाँ से जल्दी आगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे पूरा लोकेशन में कैसा क्या सीन है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को आगे। Yeah.
गाइस, हम लोग का जो डेस्टिनेशन था जहाँ तक हम लोग प्लान किए थे कि राइड करने आएंगे, तो फाइनली अभी उस जगह में पहुँच चुका है। तो आपको एक बार हम लोगों का बाइक का लाइनअप दिखाते हैं और चेक कराते हैं कौन कौन सा बाइक है और कुछ राइडर से मिलाएंगे आप लोगों को। और चलिए पहले बाइक बाइक चेक कराते हैं फिर जगह वाइज दिखाएंगे। गो फर्स्ट बाइक जो है देख रहे हैं R15M, उसके बाद V4 एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसमें, उसके बाद MT देख रहे हैं एग्जॉस्ट एक्रोबिक, उसके बाद ये इंटरसेप्टर, उसके बाद V4 इसमें भी एग्जॉस्ट लगा है, और ये उसके बाद भी है V15, और इसके बाद ये यामा का भाई पता नहीं है FZS125 है ये, तो देख सकते हो कुछ ऐसा है हम लोगों का लाइनअप। और जो जगह है वो है ये परदेसी धावा, ये हम लोग के यहाँ वहाँ से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर है परदेसी धावा। जगह मस्त है, यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे उसके बाद फिर निकलेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा देर रुक के निकलते हैं फिर आपको आगे दिखाते हैं और मिलाते हैं हम लोगों का कुछ राइडर उससे। सो गाइस, आपको एक बार चेक कराते हैं कि जगह में मतलब क्या क्या देखने को हम लोगों को मिला, आपको एक बार चेक कराते हैं, चलिए। सो गाइस, देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा बर्ड है, नाम हम तो नहीं पता लेकिन कलरफुल है, देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन ये गलत बात है भाई कि चिड़िया को बंद करके रख रहा है, ये मेरे रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि वो लोग मतलब क्या बोले, जन्म ही हुआ है उन लोगों का, लाइफ स्टाइल ही वैसा है कि वो लोग उड़े हर साल। और जैसे आगे चलते हैं तो वहाँ पे दिखा मिलता है कि खरगोश रैबिट देख रहे हो कितना सारा है, मस्त लग रहा है भाई। और इधर भी बहुत सारा बर्ड है, कबूतर जिसको कहते हैं हम लोगों के देसी भाषा में। और यहाँ पे कुछ मतलब बच्चे लोग का खेलने के लिए स्लाइड ब्राइड है, तो बच्चे लोग के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेस है जैसे देख सकते हो आप लोग। जैसे गाइस आप लोगों ने देखा कि मतलब कुछ फ्लाई बाय और छोटा मोटा व्हीली, तो मतलब मस्त था एकदम, एक नंबर। और ऐसा ही मतलब राइड को थोड़ा एंटरटेन करने के लिए ये सब करना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होता है, हम लोग बूढ़े। तो अभी यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे, तो आप लोगों को लास्ट हम लोगों का कुछ राइडर से मिला देंगे, सीनियर राइडर से, ठीक है। और आपको बता देंगे कि राइड करने का क्या मतलब एक्सपीरियंस होता है, क्या मज़ा होता है, क्यों राइड करते हैं, वो सब थोड़ा बहुत बता देंगे और फिर निकल जाएंगे। तो ये है V4, तो V4 में एग्जॉस्ट लगा है, ये अली भाई का है एक्रा पोबिक, और इसका टायर चेंज है। तो मैं जैसे V3 चलाया हूँ, तो V3 का मुझे पावर मतलब पता है, लेकिन V4 विथ मॉडिफाइड मतलब एग्जॉस्ट था, इसका पावर मुझे मतलब क्या बोले मतलब पता नहीं है, तो इसको अभी चेक करते हैं कि मैं किसका उसके बाद एक्सपीरियंस आपको देता है। जो पावर है मतलब साउंड तो सही है जितना मतलब आप लोग सुनी पाओगे, लेकिन इसका थोड़ा बहुत मतलब है, थोड़ा कम है V3 से, लेकिन वैसे सही है, मॉडिफिकेशन तो सही है, लेकिन पावर का थोड़ा डिफरेंस है, सच्ची में पावर का डिफरेंस है, ये थोड़ा बहुत फील हो रहा है। आप लोग समझ पाओगे कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा फील कर पा रहा हूँ, सही है। तो जैसे गाइस, अभी आपको मिलाने वाले हम लोग के ग्रुप के मतलब BCF ग्रुप के एक प्रोफेशनल राइडर से, जो कि बहुत सारा राइड कर चुके हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कुछ क्वेश्चन पूछते उससे पूछते चलिए। तो ये हैं देख रहे हैं, हाय। तो पहले इससे पूछ लेते हैं कि इनके पास क्या बाइक है, तो आपके पास क्या बाइक है बता दीजिए। मेरे पास MD15 है। तो इनके पास MD15 BS6 मॉडल है, तो और पूछते हैं कि आप अभी तक कहाँ का राइड कर चुके हैं।
अभी यहाँ से हम कर चुके हैं सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम, लास्ट राइड जो था इंटरनेशनल तो नेपाल किए थे। नेपाल तो अभी नेक्स्ट नेपाल का भी टारगेट है अपार मस्तान, तो उसके लिए तैयारी चल रहा है धीरे धीरे, कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इनसे एक्सपीरियंस पूछते हैं, मतलब कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक राइड करने का? बहुत कुछ सोचता हुआ कि ये एक टाइप का बोरिंग चीज़ है, बोरिंग पैशन है, तो इनसे एक बार एक्सपीरियंस पूछते हैं। नहीं, एक्चुअल में बोरिंग कुछ नहीं है, अगर तुम नेचर को लाइक करते हो, नेचर से कुछ सीखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से राइड करो, नेचर का बहुत कुछ तुमको जानकारी मिल जाएगा, नेचर के ऊपर बहुत कुछ तुमको अपडेट मिल जाएगा कि हाँ उसमें क्या है नहीं है ये सारा चीज़। और दूसरी बात ये है कि बाइक राइड जो करता है वो एक्चुअल में नेचर लवर होता है, जो नेचर लवर होता है वो ही बाइक राइड करता है। सही और इसमें जो है आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो है डेली बेसिस में जो काम करते हैं या होमवर्क हो या ऑफिस वर्क कुछ भी हो, तो क्या होता है कि दिमाग में एक बैठ जाता है कि हम लोग का लाइफ बेकार हो गया है, हम लोग का एक रूल्स मान के चलता है, तो ये सब चीज़ दिमाग में चलता रहता है। लेकिन उसको छोड़ के एक दिन के लिए, कम से कम एक दिन के लिए भी अगर राइड पे चलते हो तो तुमको दिखेगा एक्चुअल में लाइफ क्या है, लाइफ का जीने का मोटो जो है वो चेंज हो जाएगा। सही है, राइड करने का असली मजा। तो वही, तो आप लोगों ने जान लिया कि कैसा क्या होता है एक्सपीरियंस, तो थैंक्स। ओह सॉरी, लेफ्ट हैंड। आज का जो ब्लॉग है वो यहीं तक ही रखते हैं। तो आप लोगों ने देखा हम लोगों का राइड, मैं तो मेरा बाइक नहीं लाया था इसी के लिए बस थोड़ा ख़राब लग रहा है मुझे, लेकिन आज का जो राइड है वो यहीं तक ही रखा है। पीछे देख रहा फोटो शूट चल रहा है, तो अच्छा लगा है तो पता है क्या करना है, तो जल्दी से देख लीजिए, फिर मिलेगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं मेरा बाइक जल्दी ठीक करने वाला हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा क्या कैसा क्या होता है। तो चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।